नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि नाबार्ड से आप किस प्रकार से लोन ले सकते हैं, नाबार्ड लोन योजना 2023 क्या है, नाबार्ड पशुपालन लोन योजना 2023 की संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, नाबार्ड पशुपालन लोन लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन सा बैंक नाबार्ड के तहत लोन दे रहा है और कितनी सब्सिडी आपको नाबार्ड से पशुपालन पर मिलेगी, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। डेयरी फार्मिंग योजना, कोरोना वायरस के कारण देश में किसानों पर आई आपदा को कम करने के लिए और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नाबार्ड के अंतर्गत नई घोषणा की। वित्त मंत्री जी के द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की का फैसला किया, जो कि नाबार्ड योजना के 9,000 करोड़ रुपए के अलावा है। डेयरी फार्मिंग योजना के तहत यह किसानों को कम से कम 3 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। डेयरी फार्मिंग योजना 2023 डेयरी फार्मिंग को सही ढंग से चलाने के लिए पशुपालन के अलावा मत्स्य पालन विभाग की सहायता ली जाएगी। इस डेयरी फार्म योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को सब रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा तथा लोग आसानी से अपना व्यापार चला सके और हमारे देश के रोजगार के अवसर बढ़ सके। डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत देश में दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्मिंग की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा और दूध उत्पादन से लेकर गायों को और भैंसों की देखरेख, गायों की रक्षा के लिए घी निर्माण आदि सब मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। नाबार्ड योजना 2023 का लाभ किन को मिलेगा? किसान, उद्यमी, गैर सरकारी संगठन, सामूहिक कंपनियां, असंगठित क्षेत्र। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग लोन देने वाले संस्थाएं कौन सी हैं? व्यावसायिक बैंक हैं, क्षेत्रीय बैंक हैं, राज्य सहकारी बैंक हैं, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं। अन्य संस्था जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं, जिन जो चिन्हित नाबार्ड से उन बैंकों से उन संस्थाओं से आपको ये नाबार्ड के लिए जो पशुपालन का लोन है ये आपको मिलेगा। और ये आगे आप देख सकते हैं, इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है वो भी हमने आगे आपको दिखा दी है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। नाबार्ड डेयरी फार्म योजना 2023 बैंक सब्सिडी। दुग्ध उत्पादन बनाने के यूनिट शुरू करने के लिए भी डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग उपकरण को आप नाबार्ड डेयरी योजना के माध्यम से खरीद सकते हैं। इस योजना के माध्यम से यदि आप मिल प्रोडक्ट हेतु 13 लाख रुपए का उपकरण खरीदते हैं तो उस पर आपको 25% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 3,30,000 रुपये तक सब्सिडी मिल सकती है। अनुसूचित जनजाति को अंतर्गत आने वाले सभी आवेदकों की योजना के अंतर्गत 4.40 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी 13 लाख रुपये के ऊपर। इस योजना में ऋण राशि बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी और 25% लाभार्थी को खुद देनी होगी। इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने के और रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के सीधे जाकर शामिल किया जाएगा, बैंकों में संपर्क कर सकते हैं। 5 गायों के साथ डेयरी फार्म शुरू करने के लिए योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिक को लागत का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसान नागरिक को योजना के अंतर्गत 50% बैंक को भुगतान करना होगा। यह 50% किसान किस्तों में दे सकता है। इस योजना के अंतर्गत छोटे बड़े डेयरी फार्म खोलने के लिए सरकार के अंतर्गत अलग अलग दूध देने वाली गाय हाइब्रिड सबके लिए अलग अलग रूप से सब्सिडी दी जाएगी। नाबार्ड डेयरी योजना 2023 में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक होनी चाहिए। आवेदक के पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी अनिवार्य है। मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से और बैंक खाते से लिंक हो। आय और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नाबार्ड डेयरी लोन स्कीम 2023 का लाभ उठाने के लिए पहचान पत्र और वैश्विक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। नाबार्ड डेयरी लोन योजना के लिए आपके पास रिहायशी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। नाबार्ड योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस नीचे हम बताएंगे आपको कि क्या प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद ऑफलाइन का भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की आधारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधारिक वेबसाइट पर जाने के लिए आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर सूचना यानी सूचना केंद्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर अगला पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप अपनी योजनाओं के आधार पर
डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके सामने योजना का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आपको यह फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है, मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपडेट करना है। फॉर्म पूरा भर जाने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है उसको। वेबसाइट हमने आपको पीछे इसी वीडियो में दिखा दी है, आगे डाल रखा था कि कौन सी योजना है, कौन सी वेबसाइट है, किसने शुरू की है, क्या बदलाव किया गया इसमें, सब आप देख सकते हैं। इसके बाद नाबार्ड योजना अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं संस्था या बैंक में जाके, देश के जो इच्छुक लाभार्थी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए तरीके से फॉलो करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपका यह तय करना आवश्यक है कि आप किस प्रकार का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। यदि आप नाबार्ड योजना के तहत डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़िले के नाबार्ड ऑफिस में जाना होगा। यदि आप छोटा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। बैंक में जाने के बाद आपको सब्सिडी फॉर्म को भर के उसे अप्लाई करना होगा। आवेदन लोन की राशि बड़ा होने पर व्यक्ति को नाबार्ड में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करानी होगी। अगर आप बड़ा लेवल पे डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो नाबार्ड में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने होंगे और वहाँ पे जमा करानी होगी। उसके बाद आपका वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफिकेशन अगर आपका क्लियर होता, ओके होता सब कुछ, तो आपको नाबार्ड से ये लोन मिल जाएगा। इसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। अच्छी खासी सारी जानकारी आपको इसमें दे दी है। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी सहायता की जाएगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, किसान भाइयों।